अक्षय कुमार स्टार फिल्म ओ माई गॉड 2 आज रिलीज हो रही है। इसके विरोध में राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत नाम की संस्था ने आगरा में प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति अक्षय कुमार के मुंह पर थप्पड़ मारेगा या उनके चेहरे पर थूकेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिल्म जिस सिनेमा घर में रिलीज होगी उसमें आग लगाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये खबर अहम क्यों है? फिल्म के कुछ सीन पर संगठन ने आपत्ति जताई है। आरोप है कि इससे हिंदू भावनाएं आहत होंगी। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है, यानी 18 साल से कम उम्र के लोग इसे नहीं देख सकेंगे। फिल्म पहले से ही विवादों में थी। ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद विरोध और तेज हो गया है। शाहरुख खान को जब भी वक्त मिलता है फैन से बातचीत करने के लिए ट्विटर पर हाजिर हो जाते हैं। गुरुवार को उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए #AskSR के सेशन रखा। ट्विटर पर शाहरुख खान ने अपने सवाल पूछने का मौका दिया था। एक यूजर ने उनसे पूछा कि नयनतारा मैम पर लट्टू हुए या नहीं। इसके जवाब में किंग खान कहते हैं, चुप करो, दो बच्चों की माँ है वो, हाहा। सुभाष घई का धारावाहिक जानकी 15 अगस्त से दूरदर्शन पर प्रसारित होने जा रहा है। सुभाष घई ने शो के टाइटल सॉन्ग सहित 4-5 गाने भी लिखे हैं। शो के प्रमोशन के दौरान सुभाष घई ने दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान अपने करीबी नितिन देसाई को याद किया। उन्होंने बताया कि दिवंगत आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई का सपना अधूरा रह गया। मुंबई एयरपोर्ट पर गुरुवार को सितारों का जमावड़ा देखने को मिला। एयरपोर्ट पर मलाइका अरोड़ा, कंगना रनौत, विद्युत जामवाल और उर्वशी रौतेला जैसे सेलेब्स नजर आए। इस दौरान उर्वशी ने भी बार्बी ट्रेन को फॉलो किया। एक्ट्रेस पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट में नजर आई जिसमें वह काफी ग्लैमरस लग रही थी।